नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई जॉब की इन्फॉर्मेशन। ये रिक्रूटमेंट दोस्तों जो है ये आ रही है OMC की तरफ से, काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है दोस्तों। अगर आप इसमें जो है सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर जो है वो भेजे जाएंगे और ये अच्छी खासी रिक्रूटमेंट जो है वो रहने वाली है, जिसमें अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिलेगी। ये PSU है दोस्तों, यहाँ पर जो है वो 4053 करोड़ का जो है वो टर्नओवर है सालाना इस कंपनी का। तो ज़रूर इसके लिए आप आवेदन कीजिए, क्योंकि अगर आप इसके लिए जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें सैलरी के साथ साथ आपको और अलाउंस भी मिलेंगे और काफ़ी अच्छी दोस्तों ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो इसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो रिक्रूटमेंट दोस्तों आ रही है OMC की तरफ से, यानी कि उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन की तरफ से। सभी भारतीय फ्रेशर्स इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो इतनी ज़्यादा नहीं है, 21 नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे E2 ग्रेड की ये जॉब रहने वाली है, डिप्टी मैनेजर जो है वो पोस्ट का नाम है। पे स्केल की बात करें तो आपको दोस्तों 67,000 जो है वो जो बेसिक सैलरी है वो मिलेगी। बाकी उसके बाद जो है अलाउंस जब डाले जाएंगे तो आपकी सैलरी 2 लाख तक भी जो है वो हो सकती है। अच्छी खासी इसमें सैलरी मिल रही है, ज़रूर इसके लिए जो है आवेदन कीजिएगा। 3 अगस्त से दोस्तों आवेदन शुरू हो रहे हैं, जो कि चलेंगे 23 अगस्त तक, इसी के बीच में आपको आवेदन करना है। बाकी दोस्तों रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ओडिशा स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगा। अगर आप बाहर की स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अनरिजर्व कैंडिडेट बन के ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, तो 21 से लेकर 32 साल तक एज आपकी रखी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ ओडिशा स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों डिप्टी मैनेजर माइनिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट मांगी गई है। तो अगर आपने जो है BE/BTECH करी हुई है माइनिंग में, मैकेनिकल में, या जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप इसमें जो है वो आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ जो फर्स्ट वाली जॉब है माइनिंग वाली, इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है और साथ में आपने MMC का जो है वो सर्टिफिकेट ले रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने BE/BTECH करी हुई है तो किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप बिना सर्टिफिकेट के भी आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अप्लाई दोस्तों कैसे करना है, ऑनलाइन मोड से आवेदन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप सिंपली जो है इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे दोस्तों आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें सब्जेक्ट की नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो 80 मार्क्स के होंगे। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज 10-10 मार्क्स के होंगे। 120 मार्क्स का जो है वो एग्जाम आपका रहने वाला है और उसमें 2 घंटे का आपको जो है वो टाइम मिलेगा। तो उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी। तो यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फीस हालांकि थोड़ी ज़्यादा रखी गई है, 1000 प्लस बैंक चार्जेस रखे गए हैं। लेकिन अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं और ओडिशा स्टेट से आते हैं तो किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है। और ज़रूर दोस्तों इसके लिए आवेदन कीजिए अगर आप एलिजिबल होते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल क्वेरीज आपने पता करनी है, तो इन ईमेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इन फोन नंबर पे कॉल करके जो है अपनी क्वेरीज जो है वो पता कर सकते हैं। तो यही सब कुछ दोस्तों लिखा गया है नोटिफिकेशन में, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।